रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, फोन पे फोन कर रहा है, फोन पे फोन कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, मोबाइल साइलेंट था, हाथ मत चलाओ, हाथ मत चलाओ, हाथ मत चलाओ प्लीज, ऐसे मत मारो यार। ये को तू कौन होता है मारने वाला, कौन होता है, बात मत उठा लियो मेरी माँ के ऊपर, ठीक है? अच्छा हाथ नहीं के, चुप, मुझे मार क्यों रहा है, ठीक है, मारा मत कर, मैं आज यही बताऊं। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज़ रॉबिन एंड रॉबिन के प्रैंक में आपका स्वागत है। गाइज, वापस से एक हेल्पिंग वीडियो के साथ आया हूँ और इस वीडियो में हेल्प करने वाला हूँ भाई की। भाई का नाम राज है और राज की जो परेशानी है वो ये है कि इसकी वाइफ ने इस पे झूठा दहेज का आरोप लगाया, उससे इसने दूसरी शादी की थी, लव मैरिज की थी। पहली वाइफ की कुछ एक महीने के अंदर अंदर डेथ हो गई थी, ठीक है? तो भाई एक बार हमारी जनता को अपनी परेशानी बता, क्या हुआ है तेरे साथ? भाई मैं बहुत परेशान हूँ, एक्चुअली मेरी एक बीबी थी जो डेथ हो गया उसका, मैं शादी करना नहीं चाह रहा था, लेकिन ऑफिस में होते आदमी बातचीत होता है तो लव मैरिज टाइप के हम लोग कर लिए शादी। मैं बहुत मना कर रहा था, मत नहीं कर सकता मैं शादी में, ऑलरेडी मैं बहुत परेशानी में डिप्रेशन में हूँ, मेरी बीवी चली गई है। मतलब कि उसके बाद में काफ़ी टाइम के बाद, साल भर के बाद में तुमने उससे शादी कर ली? मैंने शादी कर लिया उससे फिर लास्ट में। अच्छा। और मैं आज बहुत परेशान हुई यार, मैं क्या बताऊँ। कैसे परेशान हो वो मुझे बताओ। वो बार बार मुझे टॉर्चर करती है और उन्होंने केस भी कर दिया हमारे ऊपर दहेज के चक्कर में, कि दहेज मांगता है, मारता है, पीटता है और बहुत सारी चीज़ें, परेशानी में क्या बताऊँ आपको। उसने जो आपने मुझे ये बताया था कि माँ बाप का नाम लिखवाया है, बहन का नाम लिखवाया है, वो और अब तक कितने रुपए ले चुके हैं वो अभी बताओ। तक उसने मुझसे 5 लाख रुपये ले चुके हैं, 5 लाख रुपया ले चुके हैं। हाँ, और बोल रही है कि जो फ्लैट है वो भी मेरे नाम करो। अच्छा, फ्लैट फ्लैट भी नाम करो। मेरे घर वालों को बोल रही है कि इसको भगाओ, मैं नहीं रख सकती इन लोगों को। अच्छा, माँ बाप को भी, माँ बाप भी लेके जाओ, मेरी एक बहन है उसको भी शादी करनी है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, जब तुम वो रातों रात बाहर रहती है, तुमने मैसेज में इतना सब कुछ लिखा, तो तुमने उसके घर पर बात नहीं करी? मैंने कोई घर कर नहीं सकता ना सर, क्योंकि मैंने अपने खिलाफ़ शादी किया, पर घर वालों के खिलाफ होकर जाके शादी करा है। अच्छा, तुमने भी करी है और उसने भी? हाँ, उसने भी करी है वो। तो गाइस आप देख ही रहे हो, लव मैरिज करी थी, इसकी दूसरी शादी थी, उसकी पहली शादी थी, और अब उसने इसका पैसा वैसा ले लिया है और इसे पागल बना रही है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उसका ऑलरेडी कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है। वो डेली ड्रिंक करके जाती है, आती है, मेरी माँ बोलती है कि बेटा क्या कर रहे हो तुम, इसको बहू को समझाओ, रहो बोलो घर रहने के लिए, रात को नहीं जाते पार्टी उटी शार्टी करने के लिए। मेरे दोस्त ने कहा कि तुम्हारे बीवी को मैंने क्लब में देखा किसी के संग, तो मुझे बहुत दुख पहुंचा, लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ को इग्नोर करता हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने उसको समझाया कि ऐसा क्यों कर रही है। परेशान ना हो भाई, कितनी देर में वो आ जाएगी मुझे ये बता। मैंने उसको कॉल कराया, वो बोली आधे घंटे के अंदर मैं आ जाऊँगी, आधे घंटे के अंदर आ जाऊँगी, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। माइक तेरे पास में रहेगा, मैं कैमरे के पीछे रहूँगा। बहुत परेशान, रो मत, सुन, अगर वो आती है ना बात करने की कोशिश करिए, मानती है ठीक है, नहीं मानती है ना, एक बार प्रूफ हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगा ना, फिर हम आएंगे, फिर देखेंगे। मुझे केस वापस करना चाहिए, करवा देंगे, टेंशन मत ले, तू परेशान मत हो, रो मत, ठीक है? तो गाइड कर लूँगा लेट में। वह भाई मैं बोल रहा हूँ ना, सब्र करेगा अभी तो। गाइज मिलता हूँ वीडियो के बीच में, कैमरे के बीच में आने दो उसे, फिर देख लेंगे हम। मुझे पैसे चाहिए, और किस लिए बुलाया तूने, किस लिए बुलाया है मुझे बता, किस लिए? कितना पैसे चाहिए? मुझे 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, कितना देगा बता? किस लिए चाहिए? अपने अय्याशी के लिए चाहिए। अच्छा, हाँ? शर्म नहीं आ रही है? नहीं शर्म आती मुझे, ठीक है, नहीं आती। क्यों नहीं शर्म आ रही? तू पैसे देगा नहीं देगा, तू पूछने वाला कौन होता है? होता कौन है? होता कौन है? बैठ के बात करो, मुझे बैठ के बात नहीं करनी। तू होता कौन है पहले बैठ के बात करो, मुझे बैठ के बात करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ यार, मेरे सामने हाथ जोड़ने की कोई वो जरूरत नहीं। तुम केस मुझसे पहले वापस कर लो। केस तभी उठाऊंगी जब तू मुझे पैसे देगा, ठीक है, सुन लिया? और नहीं तो तू पीटता जाएगा। बोल, तुझे कहीं से कहीं नहीं छोड़ूंगी। तू कि तूने क्या सोचा? लोग कैसे कहीं नहीं छोड़ूंगी, सारे लोग देख रहे हैं, शर्म आ रही है, सारे लोग देख रहे हैं, देखने दे, कुछ भी देखने दे, शर्म मुझे मुझे शर्म नहीं आती, ठीक है? पहले तुम ऐसे नहीं थी, मैं तुम्हें क्या देख के शादी करा ये सोच रहा हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे पैसे दे रहा है कि नहीं? बाल छोड़ो, पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा? मैं पैसे दे दूंगा, टेंशन ना लो। पहले तुम केस वापस करो, मैं ले लूंगी। तू पहले बोल कब दे रहा है मेरे पैसे, तुम कब दे रहा है, कब दे रहा है? तुझे शर्म नहीं आती है मुझे यहाँ पे बुला के धूप में? मैं इतने फालतू के बैठी नहीं हूँ, नहीं बैठी, मैं नहीं बैठी,
मुझे बस पैसे चाहिए। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मुझे पैसे चाहिए। तुम पहले केस वापस कर लो। केस बाद में वापस करूंगी। मुझे बस पैसे चाहिए। पैसे कब दे? मैं दे दूंगा। एक चीज बताओ, हाँ, तुम सारे एहसान भूल गई। कौन से एहसान थे? कौन से एहसान? कौन से एहसान? तुम्हारी बहन घर पर रहती थी। मेरी बहन? हाँ, तूने क्या कर दिया मेरी बहन पे? क्या किया मेरी बहन पे? क्या किया तूने मेरी बहन पे? क्या किया? बहन का पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा क्या किया तूने? क्या किया? एडमिशन करवाया। कब करवाया? उसमें लगे, उसमें तो मेरे भी पैसे थे। सगाई तक मैंने करवाया। अच्छा, वाह 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 वाह, करना तो पड़ेगा ही। जब दामाद बने करेगा नहीं तो फिर तुम बीवी की तरह हो ना। क्यों रहो? रात भर घूमूंगी। तू कौन होता है? तू ज्यादा ही भूल वाला। तू कौन होता है? कौन होता है? मत उठाओ, यहां पे सारे लोग देख रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। देख लेते, मुझे किसी से मतलब नहीं है, ठीक है? मुझे बैठना नहीं है, ठीक है? मुझे पैसे चाहिए भाई। मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो यहीं पे तेरे भरा भर दूंगी। पैसे दे, मुझे नहीं पता। मैं पैसे दे, पैसे दे, मुझे नहीं पता। मुझे पैसे दे। मैं तुम्हारे हाथ के लिए नहीं दे रहा। तू नहीं दे रहा? क्या चाह रही हो तुम? सीधे से नहीं मानेगा तू? हैं, नहीं मानेगा? नहीं मानेगा? केस वापस? नहीं मानेगा? नहीं मानेगा तू? नहीं मानेगा? मुझे पैसे चाहिए। कब दे रहा है केस वापस? केस ज्यादा जल्दी उठाने की पड़ी है। पैसे तो दिया नहीं जा रहा तुझसे। पैसे तो दिया नहीं जा रहा तुझसे। मेरी माँ को सता रही हो? अच्छा, तेरी माँ को कैसे? तेरी माँ ने करा क्या मेरे लिए? करा क्या? मेरी माँ क्या कह रहा है? मैंने तुमको लाया था। मैं शादी कर रही हूं। बैठ, पहले यहां बैठो। मैंने शादी करी। मुझे नहीं बैठना। मैं अपने माँ-बाप के खिलाफ शादी की। मैं ठीक हूं ऐसे ही। मैं अपने माँ-बाप के खिलाफ शादी किया हूं। अच्छा, हाँ। तो मैं क्या करूँ? मैंने बोला था शादी करने के लिए। यही तो मैंने तो शादी बस इसलिए किया है, पैसे के लिए। बस पैसे के लिए बस किया, ठीक है? और तुझे पता भी होगा, मैंने 5 लाख ऑलरेडी दे रखा हूँ। मैं 5 लाख रुपए ऑलरेडी। कब दे दिया तूने मुझे? मैं दिया 5 लाख रुपए दिया था। मैंने सारे खर्च कर दिए। और तू होता कौन है जो पैसे गिनवाने वाला? बोल कि पैसे कब? ऐसा है, पैसे कब? देखो ऐसा, सारे मैंने खर्च कर दिए, अय्याशी में खर्च किया। बैठे यहां, बैठ बैठ लगे मतलब। कहीं से भी अपनी माँ को बेच, अपने घर बेच। शर्म नहीं आ रही बोलने में ऐसी बात है? अपनी बहन को जाके बेच दे, ठीक है? पैसे बहुत आएंगे, ठीक है? अच्छा, तुम्हारे माँ बाप के लिए से बोल दोगी? मेरे माँ बाप पे बोलेगा तुम? शर्म नहीं आती तुझे? है शर्म नहीं आती? लोग देख रहे हैं यार। माँ बाप पे बोलेगा? थप्पड़ मत मारो, ऐसे मत मारो यार। ये तू कौन होता है मारने वाला? कौन होता है? क्या कौन होता है? हाँ, कौन होता है? तुझे कौन है? इधर आ भाई। क्या कर रही है इसके साथ? क्या कर रही थी? पैसे ले रही थी। पैसे ले रही। और तू कौन होता है? बीच में दोनों के बोलने वाला कौन होता है? मेरे पार्क में मार क्यों रही है तू इसे? पार्क में कौन मार रहा है? ये पार्क में मारना रही है तू? तो मार रही है, पीट रही है, उससे क्या? मैं पैसे ले रही हूँ, ठीक है? तू कौन होता है बोलने वाला? कौन होता है? कौन होता है? मैं कौन हूँ बताऊंगा? ठीक है, हाँ, हस्बैंड वाइफ है ना? हस्बैंड है तो हस्बैंड पार्क में पीटने के लिए ना होता? पीटने के लिए नहीं होता। उसने काम ही ऐसे किया तो पीटने का नहीं किया? कौन सा काम किया? कौन सा काम किया? तो उनसे बात करो। मुझे पैसे चाहिए। मैं तो भाई को बुलाया हूँ। रातों को तू जा रही है? रातों को तू जा रही है? मैं जाती हूँ भाई। इसने केस कर दिया, अब तो बता देना सर। तो तू पैसा किस लिए मांग रही है? घर में रहे ना, मना कहाँ कर रहा है? घर में रहेगी ना? अब मेरे पास 5 लाख रुपए लेकर कहाँ गई? ठीक है, 5 लाख रुपए लेकर कहाँ गई? अय्याशी किया है। 1 लाख ही ना घुमा दूंगा। अपने पे खर्च किया, बात कर रहा। हाँ, अपने पे खर्च करा ना। इससे मांगती 10 लाख लेके झूठा केस क्यों लगाया? झूठा केस नहीं लगाया? क्यों लगाया झूठा केस? केस नहीं लगाया, इसने हरकत ऐसी की थी, इसलिए मुझे पैसे नहीं दिया इसने। इसके घर वाले मुझे मारते पीटते। बूढ़ी माँ पे क्यों मार रही है? इसकी माँ ने मुझे बोला कि बाहर मत निकलिए। अच्छा, क्यों ना निकलो? तो घर में रहने के लिए आई थी मैं, नौकरानी बनने के लिए आई थी मैं। तो नौकरानी बनने के लिए आई थी? कौन बना? काम करते घर के? सारे दिन मुझे काम करवाते रहते हैं। और ये लोग तो सारे बैठे रहते हैं। मैं काम करती हूँ सारे दिन। और काम जब थोड़ा बाहर निकलो तो बोलते बाहर नहीं जाएगी भाई। तू रातों को 2-2, 3-3 बजे आएगी क्लबों में लड़कों के साथ, कौन ना कहेगा? तेरे घर वाले भी गए? मैं अपने घर में आती हूँ ना। हाँ, मैं फ्रेंडों के साथ जाती हूँ। अच्छा, तू तो कितनी बार इसकी माँ ने मुझे रो रो के बताया 4-4 दिन तू घर ना। इसकी माँ तो ऐसी है, बोलती रहती है। अच्छा, ऐसी है? और तेरी माँ को कोई ऐसे बोले? मेरी बाप ना, बात मत उठा लियो मेरी माँ के ऊपर, ठीक है? अच्छा, हाथ नीचे, चुप। मुझे मार क्यों रहा है? ठीक है, मारा मत कर। मैं आज यही बताऊं, मार क्यों रहा मुझे? चुप, बिल्कुल बिल्कुल आवाज बंद। अब कहना यो दिख ना जाए तेरा, वरना ये यो ना यहाँ से रैपट में ही ना नागिन बना दूंगा। यहाँ से भागती हुई जाएगी एक रैपट में ही। मेरे पास ना सबको ही है, ठीक है? पुलिस पुलिस सबको बुला लूंगी ना, और तुझे भी जेल करवा दूंगी, और इसे भी जेल करवाऊंगी। चक्की पीस पे रहना, पता चल जाएगा, ठीक है? तू मुझे चक्की पिसवाएगी? जितना तेरा हाथ उठ रहा है ना, ये मैं दिखा दूंगी तुझे भी। ये उंगलियां तेरा मुंह को ना इधर से इधर मोड़ दूंगा, मुंडे को घुमा दूंगा। मैं भी मोड़ना जानती हूँ, ठीक है? मैं भी मोड़ना जानती हूँ, ठीक है? मुझे मत सिखा, ठीक है? तू मुझे लड़कियों की वैसे भी ज्यादा चलती है, ठीक है भाई? तेरी लड़कियों की ज्यादा चले ना, तू मुझ पे केस लगाएगी? चुप, आवाज लगाऊंगी। देख तेरा बाप कैमरा लेकर खड़ा, सारी रिकॉर्ड हो गई। देख उधर उधर देख, मुँह चला के देख क्या कर रही थी। अब करना इसे, मार के दिखा। लगा केस मुझ पे? लगा ना?
भाई इसने बहुत दिखा मुझे, और क्या घुमा रही है शक्ल, दिखा उधर शक्ल दिख रही है तेरी सारी, शर्म आ रही है अब? हाँ, क्या सोच रही है? सॉरी सॉरी सॉरी, ये सॉरी ना क्या, अब कैसे सॉरी निकल रहा तेरे एकदम से, कर रही थी तू मुझ पे, ले मुझे बुला ना, किसी माइती को बुला रही, बुला जा, रिकॉर्ड होगी सारी, फेसबुक और यूट्यूब पे तो जा रही है वीडियो, यहाँ से ना डिलीट, तेरे माँ बाप को भी पैर पकड़ से प्लीज हट जा, दूर दूर तेरे से, इसके साथ नहीं रहना इसका, जब तुझे दिख रहा है नहीं, मैं नहीं, अब कैसे एकदम से एकदम पलट गई, अभी तो तू इसे मार रही थी, पीट रही थी, इसे मार मार के तूने हाल खराब कर दिया, बकवास कर रही है यहाँ, मैं माफी चाहती हूँ, माफी, तुझे माफी इससे काम नहीं चलने का, और माफी किससे मांग रही है तू, मुझसे क्यों मांग रही है, इससे मांग, मांग ना इसके बूढ़े माँ बाप से माफी मांग जाके, जिन्हें तूने इतना दुखी करा, इसके घर वाले कोई साथ नहीं थे शादी में, लेकिन मेरे घर वाले ने सपोर्ट करा कि चल कोई बात नहीं, जब तेरे घर वाले तेरे आज तक सपोर्ट में ना, यार इसके घर वाले अब तुझे, पहले तो बेबी अगेंस्ट थे ना, मैं माफी मांग लूंगी, हाँ माफी तो तुझे मांगनी पड़ेगी, ये बता किसके चक्कर में कर रही है सब, जल्दी जल्दी मुंह खोलते वरना यहाँ से ना रैपिड बजने शुरू हो जाएंगे, मोर नहीं बना दूंगा तुझे, नचा दूंगा यहीं पे। भाई इससे पूछे 5 लाख क्या करा इसने जो मैंने दिया था, क्या करा तूने 5 लाख का, कहाँ कहाँ घूम गई है, बोल रही है या मुंह चलवाऊंगा अभी, रोने से नहीं हो काम चला यहाँ पे, वो मैंने अपने पे खर्च किए थे, अच्छा मुझे माफ कर दो बस प्लीज, माफ कर दो, बैठ यहाँ, बैठ 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 यहाँ, बैठ गई, तू जब मुझे एक बात बता, जब तेरा हस्बैंड लग रहा तुझे ये दिन रात कॉल कर रहा, तू इसका नंबर ना उठाती, न तू इससे बात करती, न तेरा ये हो गया कि तू इससे बातचीत कर ले, जब ये तुझे मना रहा है इतने महीनों हो गए, तो तूने इससे एक बार भी बात करके क्यों ना कहा कि मैं किसी और, छोड़ देती तू इसे, अगर तुझे छोड़ नहीं था छोड़ देती, तू इस पर झूठा आरोप क्यों लगा रही है, इसके माँ बाप को क्यों फंसा रही, बहन को क्यों फंसा रही है तू, भाई 1.5 महीने से ब्लैकमेल कर रही है भाई, 1.5 महीने से, उसके लिए माफी मांग, अच्छा माफी तो तुझे मिलने की ना, क्या सोच रही है, अभी तेरे माँ बाप को बुलाऊंगा, प्लीज मेरे, नहीं 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 उनको मत बुलाइए प्लीज प्लीज, नहीं नहीं नहीं, अच्छा माँ बाप का नाम आते ही उन्हें पता ही ना था इस कहानी का, अब तो ये पता चलेगा, रुक तू मेरे साथ आ गई ठीक है, तो मैं लगेगा गुड्डी पे, चल रोक के रखिए भाई सर, बैठ में बैठ, गाइस ऐसा है तुमने देख ही लिया उसकी हालत, किसी और बंदे के चक्कर में वो कर रही है, और इसके ड्रामे यहाँ खत्म ना हो रहे, रोज हो रही है, मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, केस खत्म होगा, वीडियो रिकॉर्ड हो गया, प्रूफ दे दूंगा, इसके माँ बाप को बुलाऊंगा, मुझे इसके साथ नहीं रहना भाई, टेंशन मत ले ठीक है ना, तो गाइस अभी इसे वीडियो प्रूफ दे दूंगा, इसके माँ बाप को बुला के उन्हें खत्म करूंगा केस को, ये इसके ड्रामे चल रहे हैं ज्यादा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना, शेयर कर बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपने मुझे हेल्प किया, बस आपको वीडियो शेयर करनी है जब भी देखना है ठीक है, तो कमेंट करके बताना क्या चीज़ ठीक लगी है ठीक है, क्या नहीं लगी है वो भी बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब करो, फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो करो, और बिना शेयर करे मत जाना ठीक है, मैं ज़रा इसे देख लूँ इसका क्या ड्रामा।